हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे आप का जो नोटिफिकेशन है वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आप सेशन 23-24 के लिए आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होगा, यानी सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू दे के यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्ज़ाम आपका कोई होगा नहीं, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे इंटरव्यू की डेट जो पहले से मेंशन कर दी गई, तो 27/12/2023 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सी सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके इन्हें डिटेल्स में रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी, तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन पर चलेंगे, बात करेंगे आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंस्टीट्यूट है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, तो ये आपको मोहाली पंजाब में देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ज़रूर अप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आपका जो सेशन रहेगा वो यहाँ पे 24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, तो अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी इस पीएचडी की ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे आप और मैक्सिमम यहाँ पे 7 सालों में अपनी पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रिसर्च भी आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो बायो साइंस है यहाँ पे आपकी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, फंक्शनल फूड, जीनोमिक एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, जिनमें आप यहाँ पे इन रिसर्च एरियाज़ में आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी सीट्स की, तो यहाँ पे 17 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और रिजर्वेशन जो आपका रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से यहाँ पे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने अपनी मास्टर लाइफ साइंस में कंप्लीट की है, जैसे कि आपने यहाँ पे एमएससी, एमटेक, एमफार्मा, एमबीएससी, एमबीबीएस अगर आपने ऐसी कोई डिग्री कर रखी है, या फिर इसके समान कोई अगर आपने साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलेक्सेशन मिल जाएगा आपके मास्टर डिग्री में। एस सी एस टी ओ बी सी के नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक फेलोशिप होनी ज़रूरी है। फेलोशिप के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, जैसे कि आपके पास यूजीसी का जेआरएफ होना चाहिए, या फिर आपके पास सीएसआईआर का जेआरएफ, आईसीएमआर का, डीएसटी का, या फिर डीबीटी का अगर आपके पास जेआरएफ है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं और अब तभी अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली आपके पास फेलोशिप होना ज़रूरी है। यहाँ पे गेट जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास फेलोशिप होगी, तभी यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, बस आपके पास जेआरएफ हो। तो यहाँ पे अगर आपका पीजी का फाइनल ईयर है और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी फेलोशिप के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उनके पास एक अपनी ओन फेलोशिप होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे गेट एंड नेट के बारे में बताया गया, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो यहाँ पर फॉलो की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन कोटा है वो यहाँ पर बता दिया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इतने % सीट्स यहाँ पर रिजर्वेशन के अनुसार यहाँ पर रखी जाएंगी हर कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो दोस्तों ऑनलाइन भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग करने के बाद आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू है या फिर वॉइस वाइव है वो कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे आप जब अपना इंटरव्यू वॉइस वाइव देने जाइएगा, तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप यहाँ पे लेके जाइएगा और आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। इसको अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई जिन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 16 दिसंबर 2023 है। 5:30 PM तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और डेट ऑफ इंटरव्यू की पहले से बता दी गई, तो 27 दिसंबर 2023 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, जो कि टेंटेटिव डेट दी गई है। हो सकता है इस डेट में कोई परिवर्तन भी आपको देखने को मिल जाए।
एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और आगे अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जब पेज ओपन होगा तो कैसा इसका इंटरफेस होगा और वहाँ पे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो हम इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे और जब यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएगा तो ये बताया गया कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने और कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स ले जा करके और यहाँ पे अपलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी और एक यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का है पीएचडी से संबंधित तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आपका यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और जो अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है, आप इसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट देख सकते हैं या फिर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है और कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो भी आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सभी बता दिए, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जॉब्स में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया, आपका ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप क्लिक कर देना, आप ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि जो नोटिफिकेशन है उसी में लिंक दिया गया है और वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना एक एप्लीकेशन आई डी और पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप लॉग इन करके भर सकते हैं। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर आप पहले क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कैसे अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो ये भी दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं। तो इस पीएचडी नोटिफिकेशन में लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।